नमस्कार दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में जो है हम लोग जो है रेलगाड़ी का टाइप नंबर 2 किए थे, जिसमें जो है रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति, स्थिर खंभे या स्थिर रेलगाड़ी को पार करता था, उस टाइप का। इस वीडियो में जो है रेलगाड़ी जो है गतिशील वस्तुओं को पार करेगा, जैसे गतिशील आदमी हो गया, गतिशील गाड़ी हो गई, इसको पार करेगा, तो उस टाइप के सवाल हम लोग करेंगे। ठीक, पिछली वीडियो में हम बताए थे कि रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वहां दूरी जो है रेलगाड़ी की लंबाई रखते हैं, और जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे, किसी रेलगाड़ी को पार करे, तो उस समय जो है दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म या रेलगाड़ी की लंबाई जो भी हो उसको जोड़ के रखते थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, है ना, वही कॉन्सेप्ट दूरी के संदर्भ में यहाँ भी लगेगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें केस नंबर 1 देख लेते हैं। केस नंबर यह क्या 1 क्या कहता है, कहता है जब दोनों एक ही दिशा में, यानी ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आदमी भी जाए या फिर ट्रेन भी जाए, है ना, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम हो, यानी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो अगली ट्रेन या गाड़ी या व्यक्ति उसी डायरेक्शन में जाए, यानी दोनों की दिशा सेम हो, तो पार करने में लगा समय जो होता है दूरी बटे चालों का अंतर रखते हैं, चालों का अंतर रखेंगे। ठीक, यदि दिशा विपरीत हो जाए, एक इधर से आ रहा है एक इधर से, यानी ट्रेन इधर से जा रही है, आदमी इधर से आ रहा है या ट्रेन इधर से आ रही है, इस समय पार करने में लगा समय जो होता है दूरी बटे चालों का योग, चालों का योग। ठीक, बस इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा ये सब टाइप लगेगा, पूरा का पूरा टाइप लगेगा। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट, तो चलते हैं सवाल पे चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा हम लोग समझ पाएंगे वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में, यानी अपने ही दिशा, यानी सेम डायरेक्शन है, दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे व्यक्ति को, यहाँ पे किसको पार कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है, वो तो कितने समय में पार कर जाएगी। तो हम बताए थे जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को पार करेगी तो वहां दूरी क्या रखते हैं, दूरी ट्रेन की लंबाई रखते हैं, यानी हमको दूरी मालूम है, दूरी ट्रेन की लंबाई कितना दिया है 300 मीटर दिया है। ठीक, और सेम डायरेक्शन रहेगा, यानी दोनों का डायरेक्शन एक रहेगा, तो क्या करेंगे वहां पे चालों का अंतर रखेंगे, अंतर का मतलब ज्यादा में से कम को घटाना, तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा, चालों का अंतर एक 40 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ये दूरी मीटर में दिया है, जिसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर। ठीक, 18 × 36 ये कितना हो गया, 5 × 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, अब पार करने में लगा समय निकाल लेते हैं, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गई 300 और चाल कितना है 10, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 30 सेकेंड लगेंगे पार करने में, यानी ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगा, 30 सेकेंड में पार कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे यात्री को, यात्री को कितने समय में पार कर जाएगी, तो यहाँ भी दूरी ट्रेन की लंबाई होगी, दूरी हम रख दिए, दूरी हो गया 150। ठीक, और सेम डायरेक्शन है, अपने ही दिशा में, यानी जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में यात्री भी जा रहा है, तो चालों का अंतर रखेंगे, तो 54 माइनस 6। ठीक है ना, और ये मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में बदल देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये किलोमीटर में आएगा तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 150, हाई 18 ऊपर जाएगा, 5 रहेगा नीचे, और इसको घटा देते हैं, 14 में से 6 गया 8 बचा 48। ठीक, अब इसको जो है 6 से काट देते हैं, 6 × 18 और ये 6 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, 8 6 कटेगा 5 से इसको काट देते हैं, 5 × 3 = 15। ठीक, अब फिर इसको जो है 2 से काट देते हैं, 2 × 4 = 8, 2 से काट देंगे 15, ये कितना हो गया 15 × 3 = 45, अब 45 / 4 ये क्या होगा, सेकेंड होगा।
इसका आंसर कितना हो गया 45/4 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है में बैठे व्यक्ति व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकेंड में पार कर जाती है, तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। यानी ये 200 मीटर वाले रेलगाड़ी की हमसे चाल पूछ रहा है, इसकी चाल कितना होगी। ठीक, और आदमी किसमें बैठा है, इस 100 मीटर वाले में बैठा है आदमी, है ना। तो ये आदमी को पार कर रहा है ट्रेन में बैठे आदमी को, तो यहाँ दूरी क्या होगी, वही ट्रेन की चाल ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई हमको दे दिया है 200 मीटर, यानी दूरी कितनी हो गई 200 मीटर हमको दूरी हो गई। और ये इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन है विपरीत, यानी एक ऐसे आ रहा है तो एक ऐसे आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम चालों का योग रखते हैं। तो चालों का योग कितना हो जाएगा, तो चाल कितना हो जाएगा, चाल एक का चाल हमको दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और दूसरे का हमको नहीं दिया, इसका नहीं दिया है तो इसका x मान लेते हैं, इसका जो है x है, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं 5/18 हो गए, ठीक। और ये कह रहा है 9 सेकेंड में पार कर देती है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा के चाल, तो समय कितना है 9, पार करने में लगा समय 9 सेकेंड, और दूरी हो गया 200, और ये हो गया चाल 30 प्लस x, ये हो गया 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 200 ये हो गया 18, 30 प्लस x इंटू 5, ठीक। 9 से काट देते हैं, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 5 से काट देते हैं, ये 5 × 20, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो गया 30 प्लस 1, एक का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना हो गया 40 × 80, इसको उधर भेज देते हैं, x बराबर 80 माइनस 30 बराबर कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी दूसरे रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, कह रहा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वह उस आदमी को कितने सेकेंड में पार करेगी जो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा की ओर उसकी दिशा की उल्टी दिशा में भाग रहा है। यानी ट्रेन ऐसे जा रहा है तो आदमी कैसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है ना, यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो दूरी हो गई ट्रेन की लंबाई 220, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं, तो चाल का योग करेंगे तो 60 और प्लस 6 कितना हो गया 60 और प्लस 6 66, और हमसे पूछ रहा है टाइम कितने से, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर पर सेकेंड है, तो 220 18 ऊपर ये कितना हो गया 66, और ये हो गया 5, 11 से काट देंगे 11 × 2 = 22, 11 × 6 = 66, 6 से काटेंगे 6 × 3 = 18, 5 से काट देंगे 5 × 20, ये हो गया 4 × 3 = 12 सेकेंड में क्या करेगी पार कर जाएगी, तो चौथे का आंसर कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, करा दो रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर पर आवर तथा 92 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा में, दिशा क्या है दोनों की समान है, चल रही है, जिसकी लंबाई क्रम से 400 मीटर तथा 360 मीटर है, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमे गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में क्या समय लगे। यानी इस बार जो है दो रेलगाड़ियां एक दूसरे पार कर रही है ना, तो यहाँ पे दूरी क्या रखेंगे, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ के, तो दूरी हमको हो जाएगा 400 + 360, ये हो गया दूरी, और दोनों समान दिशा में जा रही है, तो चालों का अंतर, तो दोनों चालों का अंतर 92 में से 54 घटा देंगे, 92 - 54, और ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे 5/18, ये हमारा निकल के आ जाएगा समय, ठीक, इसको सॉल्व कर देते हैं, 30 = 60 हो गया और 4 × 3 = 7 हो गया, 18 ऊपर चला जाएगा 5 हो जाएगा नीचे,
और ये घटा देंगे तो 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना, तो सॉल्व कर देते हैं तो इसको 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 ये 1 बच गया, 2 9 18 ये 19 हो गया, 19 से काटेंगे 4 वाले में कटेगा निश्चय 76, ये 5 से काट देंगे 5 बटे 46 ये हो गया 8 गुणे 9, 9 8 कितना हो गया 72, ये हो गया सेकंड, यानी 72 सेकंड में क्या करेगी पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशा में आ रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से एक इधर से, क्रमशः 65 किलोमीटर पर आवर तथा 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, जब वे एक दूसरे से मिलेंगी तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगे। यहाँ दो ट्रेनें हैं तो यहाँ पे दूरी क्या रखेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई यानी 180 प्लस 120 बटे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो चालों का योग 65 प्लस कितना कर देंगे 55 कर देंगे, 65 प्लस 55 ठीक, ये मीटर में तो इसको बदलने के लिए चेंज कर देते हैं 5/18 ये हो गया हमारा, क्या निकल के आएगा समय निकल के आएगा, इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया 0 हो गया, 8 10 की 0 हो गया, टेरी हो गया 1 2 1 3 ये कितना हो गया 300 हो गया ठीक। अब ये 18 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे रहेगा, इसको जोड़ देते हैं 5 5 10 की 0 टेरी हो गया 6 5 11 1 12 120 ये 0 0 खत्म, 5 से काट देंगे 5 6 30 6 से काटेंगे 6 2 9 12 2 से काट देंगे 2 9 18 ये कितना हो गया 9 सेकंड, यानी 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, इस बार डायरेक्शन क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही है तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी 125 प्लस 125 ठीक, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी ही है। अब कह रहा उसमें एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर की गति से चल रही है और वे दोनों एक दूसरे से 6 सेकेंड में पार कर जाती है, तो समय हमको दे दिया 6, एक रेलगाड़ी की चाल हमको दिया 65, दूसरे की मान लेंगे x और ये 5/18 ये मीटर में था तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो गया 6, ये कितना हो गया 100 200 250 हो गया 250 गुणे 18 बटे के 5 ये कितना हो गया 65 प्लस x ठीक, 6 से काट देंगे 6 कम 6 6 3 18 5 से काट देंगे 25 ठीक, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 65 प्लस x, और ये कितना हो गया 5 3 15 150 x बराबर कितना हो गया 150 और माइनस 65 x बराबर 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 6 गया 5 बच गया, यानी 55 मीटर पर सेकंड, यानी दूसरे रेलगाड़ी की चाल कितनी थी 55 मीटर पर सेकंड। इस टाइप में इतना ही, यदि और कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप में, धन्यवाद।